जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2020 के बारे में, जो कि दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की डेट जो है अभी लगभग एक्सपेक्टेड डेट जो है आ चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं आज की जो भर्ती आई हुई है टेरिटोरियल आर्मी में, वो कब से कब तक हो सकती है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड डेट है। अभी तक ऑफिशियली तो नहीं मिला इसका डेट, लेकिन दोस्तों 90% चांसेस है कि यही डेट होगी, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो जो सोर्सेज है उनका ये कहना है कि इस बार जो भर्ती है वो बहुत ही जल्दी आ सकती है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी डेट पर है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं खुद जो है सरकारी आर्मी job.com पर चेक करता हूं, तो आप इस पे चेक कर सकते हैं आकर के। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया है, वहां से डायरेक्टली आप सरकारी आर्मी job.com पर आकर के इंडियन आर्मी की कोई भी भर्ती देख सकते हैं, चाहे वो ओपन भर्ती हो, रिलेशन भर्ती हो, या फिर डिफेंस जॉब हो, एयरफोर्स की जॉब हो, या फिर BSF CRPF की जॉब हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज जो भर्ती आई हुई है टेरिटोरियल आर्मी की Zone 1 की, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट की भर्ती है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या इसमें पूरा टर्म एंड कंडीशन है, सारा कुछ देख लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि Zone 1 में जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली चंडीगढ़ यहाँ पर शामिल है। यानी कि यही लोग सिर्फ और सिर्फ Zone 1 की भर्ती को देख सकते हैं और इन्हीं के लिए भर्ती यहाँ पर आई हुई है। तो अगर आप इन किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है इस भर्ती को देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल ड्यूटी की भर्ती मिलती है, कलर्क की भर्ती और ट्रेडमैन की भर्ती, सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्ट पर भर्ती देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे आपको 10वीं पास होना होगा और 45% पूरा टोटल 10th में और 33% नंबर हर एक सब्जेक्ट में। यहाँ पे क्लर्क के लिए 12वीं पास होना होगा, 50% नंबर जो है आपका यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर और 50% टोटल 12th में नंबर होना चाहिए, वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स, तीनों के लिए एलिजिबल यहाँ पे माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो 10वीं पास और ITI पास जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडमैन की भर्ती आई हुई है। यहाँ पे एज जो है 18 से 42 साल लोगों के लिए रखी गई है, यानी कि अगर आप मेल हैं, अगर आप लड़के हैं तो 18 से 42 साल की अगर एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप फॉर्म को भर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इस भर्ती में जा सकते हैं। यहाँ पे जो भर्ती निकल के आती है वो आती है, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कह सकते हैं, 160 सेंटीमीटर हाइट कम से कम, 50 kg कम से कम वेट और 77 नॉर्मल यहाँ पे आपका चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकल होगा जिसमें 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, साथ ही साथ बीम्स पुलअप्स कराए जाएंगे और साथ ही साथ 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस भी यहाँ पर कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो भर्ती आई है कौन कौन से डेट को भर्ती हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये एक्सपेक्टेड डेट है, 90% चांसेस है कि इसी डेट पे आपकी भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो भर्ती आई हुई है, यहाँ पे जो डेट निकल के आ रहा अभी सामने, अभी तक ऑफिशियली ये जानकारी नहीं आई है कि इसी डेट पर होगा, लेकिन कुछ भी अगर चेंजमेंट होता है या फिर नया डेट आता है तो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर जितनी भी अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल वाली बेल आइकन को जरूर से दबा लें, ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहे। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भर्ती यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है Zone 1 की, यहाँ पे आपको जो है लुधियाना में देखने को मिलेगी, श्रीनगर में देखने को मिलेगी, BD बरी में देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे इसके अलावे और भी भर्तियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं जो भर्ती निकल के आती है वो सिख लाई रेजिमेंट में निकल के आती है। यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन की है, GD की है, कलर की भर्ती देखने को मिल सकती है। रैली डेट यहाँ पर जो है दोस्तों वो 22 अप्रैल से 1 मई रखी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग एक ही जोन में अलग अलग जगह भर्ती होती है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर TA की बटालियन होती है, इन्फेंट्री बटालियन होती है, तो यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं कि इन्फेंट्री बटालियन में भर्ती आती है। आप जो है किसी भी बटालियन में जाके भर्ती देख सकते हैं। अगर आप Zone 1 में आते हैं तो आप इन चारों में से किसी भी बटालियन में जाकर के आप भर्ती देख सकते हैं, क्योंकि जो आपका नज़दीक रहेगा आप उसी में जाना पसंद करेंगे, इसलिए आप जो है किसी में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपके इलाके की भर्ती छूट जाती है तो आप दूसरे इलाके में भी जाकर के देख सकते हैं, लेकिन Zone 1 में वो आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो Zone 1 में जितनी भी यहाँ पर कह सकते हैं इन्फेंट्री आती है वो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यार दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट आप देख सकते हैं, अलग अलग डेट यहाँ पर आया हुआ है, तो आप इसे खुद से देख लें एक बार, समझ लें। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि ये जो
90% इस डेट की चांसेस है, हो सकता है कि इस डेट को आगे पीछे कर दिया जाए। तो पूरी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, कोई भी अगर चेंजमेंट होता है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले बार जो है एक भर्ती जो है कैंसिल हो गई थी, तो उसका डेट बाद में आया, तो ऐसा भी होता है क्योंकि ये पूरे का पूरा ऑफलाइन होता है, यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं भरना होता, डायरेक्टली आपको भर्ती में जाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यही थी जानकारी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।